हेलो एवरीवन। सो यार, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट आई होप अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो हम बेसिकली अब रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। यार, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बहुत सही फाउंडेशन अगर इस टॉपिक में तुम बना लेते हो अपना, तो आगे के जितने भी हम टॉपिक करेंगे उसमें तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग ही अगर तुम अच्छे से सीख लेते हो तो समझ लो आधी टीपी तुम्हें पहले से ही आ गई, और उसके बाद तुम्हारी रिकर्जन ट्री में भी काम आती है, ग्राफ में भी काम आती है, हर एक दूसरे बड़े डेटा स्ट्रक्चर में रिकर्जन का काम आता है। तो रिकर्जन को अच्छे से करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, वो ट्री में चले जाते हैं, वो ग्राफ में चले जाते हैं, लेकिन उनका रिकर्जन वीक रहता है, या फिर डीपी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन रिकर्जन वीक रहता है, तो यार उनको विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है। रिकर्जन में आज की वीडियो में मैं पूरा बेस देने वाला हूँ कि रिकर्जन होता क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में तुम्हें ध्यान देना चाहिए हमेशा रिकर्जन करते हुए, कैसे तुम रिकर्जन को स्मार्टली कर सकते हो। स्मार्टली रिकर्जन को करना एक तरीके की डीपी है, जो डीपी की बात करते हैं हम, मेमोराइजेशन, वो कुछ भी नहीं है, वो रिकर्जन ही करते हैं हम वो, लेकिन स्मार्टली करते हैं। और बहुत सारे लोगों को बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन अलग अलग टॉपिक लगता है, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक नहीं है। बैक ट्रैकिंग इज़ बेसिकली अ रिकर्जन इन विच हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं, मतलब अपना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बैक ट्रैकिंग वही है। तो यानी कि रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग अलग अलग नहीं है, हम इसको साथ में करेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा मैं बिल्कुल बेसिक से, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो सो आज की वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसको कहीं पर लिख लेना या फिर याद रखना, भूलना मत। बहुत सारे लोग यार, तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो, और यार वीडियो को ढंग से देख के समझने के लिए मैं आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ रिकर्जन को बताने से पहले, जिसको तुम फॉलो करोगे तो जो वीडियो मैं बनाता हूँ उससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे और वो तुम्हें याद रहेंगी। तो वीडियो को कैसे देखना है और नोट्स ज़रूर बनाना है, तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ। वीडियो जब भी तुम देखा करो, अगर वीडियो के अंदर मैंने कोई थियरी बताई है या फिर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले, तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुना करो। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालता कभी भी वीडियो में, जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी थियरी मैं डालता हूँ ताकि वो तुम्हें पता रहे। अगर उस पार्ट को तुम स्किप करते हो तो तुम्हारा बहुत लॉस हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी टेक्निक से रिलेटेड, तो उसको जितना ज़्यादा सुनोगे यार उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी बात कि वीडियो में अगर कोई भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ तो वीडियो के स्टार्टिंग में देख लो डिस्क्रिप्शन में क्या कोई प्रॉब्लम की लिंक दे रखी है मैंने। अगर प्रॉब्लम की लिंक होती है या फिर मैं वीडियो में कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम खुद से पढ़ो, तो पहले जाके उसको खुद से पढ़ो, वीडियो को पॉज कर दो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सोचो कि कैसे सॉल्व होगा, 5-10 मिनट सोचो, अगर नहीं आता तो वीडियो को आगे प्ले करो। अब प्ले करते वक्त भी पूरी वीडियो एक बारी में नहीं देख लेनी है, या ये भी नहीं करना कि वीडियो भी देख रहे हैं और साथ साथ कोड भी कर रहे हैं, यानी कि मैं सॉल्यूशन का कोड समझा रहा हूँ और तुम कोड कर रहे हो उसी टाइम कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है वीडियो को देखने का। इससे होता क्या है कि तुम्हें उस टाइम लगेगा कि हाँ हाँ ये समझ आ गया, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और तुमने वो पार्ट उस समय तो कर लिया लेकिन आगे जाके तुम भूल जाते हो। तो सही तरीका क्या है, वीडियो को देखो, थोड़ा सा सुनो मेरा एक्सप्लेनेशन, मैं किस डायरेक्शन में सॉल्यूशन को लेके जा रहा हूँ, हिंट मिलते रहते तुम्हें, हर 5-10 मिनट में हिंट मिलता रहता है अगर प्रॉब्लम बड़ा है तो थोड़ा एक हिंट लो, वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो कि क्या अब मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे बीच बीच में पॉज कर करके सोचो क्या मैं अब ये सॉल्व कर सकता हूँ। अगर तुमने पूरी एक्सप्लेनेशन सुन ली उसके बाद वीडियो को तो पक्का रोक दो और खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी ढंग से तो तुम उसको इम्प्लीमेंट बड़े आराम से कर सकते हो, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव होगी और दूसरा तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें सही में ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। नहीं आई तो दोबारा से गौर से सुनो, अगर फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता या कुछ एरर आता है तब जाके तुम कोडिंग वाला पार्ट देखा करो कि कोड मैंने कैसे लिखा है और क्या क्या पॉइंट्स तुमने ऐसे मिस करे थे जो मैंने नहीं करे। तो इससे क्या होगा यार, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट तुम ज़्यादा करोगे एक वीडियो के अंदर, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, तुम्हें बार बार सेम वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी और वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी दिमाग के अंदर। तो एक बार ही तुमने कर लिया ये सारा काम, फिर वीडियो सब बंद कर दो और दोबारा अच्छे से 5-10 मिनट बाद बैठ जाओ और खुद से वो प्रोग्राम कोड करो बिना कुछ देखे हुए। तो अगर तुमने ये कोड लास्ट में ख़त्म कर दिया तो यानी कि वो चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। अगर तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो बिना मेरा कोड देखे तो समझो कि अभी भी इस चीज़ में दिक्कत है। और जिस भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं यार, कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल होते हैं, कोई आसान होते हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट में तुम अटकते हो
तो उसके 5 क्वेश्चन उसी सेम दिन जरूर कर लो, उसको कल के लिए मत टालो, क्योंकि आज जो तुमने वीडियो देखी और उसको तुमने कल के लिए टाल दिया तो आज जितना भी सीखा हुआ है वो सब भूल जाओगे कल, और कल दोबारा से तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज ही 5 क्वेश्चन कर लोगे तो दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी, 5वां क्वेश्चन सॉल्व होते ही वो टेक्निक तुम्हें अच्छे से आ जाएगी, फिर फ्यूचर में टेक्निक के मामले में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये हो सकता है कि उसकी वेरिएशन आएगी तो तुमसे सॉल्व ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस की बात होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो यार स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से अब, रिकर्जन, कि रिकर्जन होता क्या है जनरली। तो रिकर्जन बेसिकली होता है कि एक तुमने कोई फंक्शन बनाया और वो फंक्शन खुद को ही कॉल कर ले, यानी कि एक फंक्शन बनाया उसने खुद को कॉल करा, फिर उस फंक्शन ने जिसने कॉल कराया वो भी खुद को कॉल करेगा क्योंकि एक फंक्शन है, तो ये लूप सा चलता रहता है। तो रिकर्जन में हम क्या करते हैं बेसिकली, कि मान लो ये मेरा F1 फंक्शन है, एक बड़ा फंक्शन है, ये कुछ W वर्क कर रहा है, तो इसने दो बारी खुद को कॉल करा, एक इधर कॉल करा एक इधर कॉल करा। अब इनपुट के साथ हमेशा कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के, तो रिकर्जन जब भी हम कॉल करते हैं तो कभी भी हम सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल नहीं करते, वरना वो लूप इनफिनाइट चल जाएगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स हमारे हमेशा बदल जाते हैं रिकर्सिव कॉल में। तो मान लो इस F1 फंक्शन ने खुद को दो बारी कॉल करा है, इस वाले F1 वाले पार्ट को और इस वाले F1 वाले पार्ट को, तो अगर ये F1 फंक्शन W वर्क कर रहा होगा तो क्या ये F1 और ये वाला F1 भी W वर्क नहीं कर रहा होगा? तो यानी कि रिकर्जन में हमारा जो मेन फंक्शन बना वो काम तो एक ही करता है, लेकिन डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए काम करता है। तो सबसे बड़ा हिंट किसी भी प्रॉब्लम में कि वो रिकर्जन का है या नहीं है, वो यही चीज़ है कि अगर तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने के लिए तुमने देखा कि यार अगर मैं छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लूँ और इन सब के बीच में कुछ रिलेशन ऐसा है कि मैं मान लो 1, 2, 3 छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दूँ अपने प्रोग्राम को, इनके बीच में एडिशन का रिलेशन है, यानी कि इन तीनों का जो रिज़ल्ट आया इंडिविजुअली उनको मैं ऐडअप करूँगा तो मेरा पूरे का रिज़ल्ट मिल जाएगा। और हमने देखा ये तो रिलेशन हुआ छोटी प्रॉब्लम का बड़ी प्रॉब्लम के साथ, और फिर हमने ये चीज़ देखा यार बड़ी प्रॉब्लम में जो चीज़ हमें दिक्कत कर रही थी, यानी कि जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है, छोटी प्रॉब्लम में भी वही सेम चीज़ सॉल्व करनी। तो यानी कि काम तो हमें हमेशा एक ही करना है, डब्ल्यू वर्क ही करना है, लेकिन हमें हमेशा हमारा प्रॉब्लम का साइज़ छोटा होता जा रहा है, या फिर प्रॉब्लम का साइज़ कुछ और है अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम से, यानी कि प्रॉब्लम के साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा हमारा काम, हमारा काम सेम है बस प्रॉब्लम का साइज़ अलग है। तो ऐसे केस में हमेशा हम रिकर्जन लगाते हैं। ये बात मैंने अभी बता दी है, लेकिन इसको सीखने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब समझ आएगा एक्सपीरियंस के साथ कि क्यों ये बात एप्लीकेबल होती है। तो रिकर्जन बेसिकली क्या है, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। सो टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब होता है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि मैं जाता हूँ, मेरे को ये वाली ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिले, ये मेरा अल्टीमेट गोल है, मतलब फाइनल गोल मेरे प्रोग्राम का ये है, लेकिन मुझे अभी इसका सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन मेरे को एक बात पता है कि अगर मैं ये 1 सॉल्व कर लूँगा, ये 2 सॉल्व कर लूँगा और ये 3 सॉल्व कर लूँगा, तब मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूँगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि चलो यार 1 सॉल्व करके देखते हैं, इधर मैंने 2 सॉल्व करके देखा, इधर 3 सॉल्व करके देखा। अब जब 1 पे आया तो 1 भी एक अलग प्रॉब्लम बन गई, लेकिन मैं भी ये जानता हूँ इसके भी 3 पार्ट हैं, अगर मैं इन तीनों को सॉल्व कर लूँगा तो 1 को सॉल्व कर लूँगा, तो हमने इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे करते करते हम एक लीफ नोड पे पहुँचते हैं, एक ये ट्री स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है कि यार ये हमारा रूट है, इसके लीव्स हैं, अगर हमने ये हमारा रूट है और ये इसके चाइल्ड्स हैं, अगर हमने इसके चाइल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो हम ये फाइनली रूट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हम जाते रहते, तो एक केस तो ऐसा आएगा ही बाद में जाके कि हमारी प्रॉब्लम इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको हम यार खुद से ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। जैसे कि यार मैं तुम्हें मान लूँ, कह दो कि भाई एरे दे रखा है, इसमें तुम मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है ये बताओ। अब उस एरे में तुम्हें सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर मैं कह दूँ यार एक ही एलिमेंट तुम्हें देता हूँ मैं, और एक एलिमेंट में बताओ मैक्सिमम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? डायरेक्टली बोल दोगे यार यही एलिमेंट मैक्सिमम है। मैंने कहा अगर मैं 2 एलिमेंट देता हूँ तो उसमें मैक्सिमम क्या है, तो तुम डायरेक्ट कंपैरिजन कर दोगे कि यार इन 2 में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यानी कि ये देख रहे हो कि एक एरे की कंपैरेटिवली हमारी प्रॉब्लम जब बहुत छोटी साइज़ की हो जाती है तब उसको हम डायरेक्टली कंप्यूट कर लेते हैं। तो ये जो डायरेक्ट वाले केस होते हैं ये हमारे हमेशा लीफ नोड बनाते हैं, और इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, या फिर इनको बेस केस कहते हैं रिकर्जन के अंदर। तो रिकर्जन के अंदर बेस केस क्या होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। बेस केस को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं तो ये फर्दर कॉल नहीं करेगी,
तो यार फर्दर ये कॉल नहीं करती तो हमारी रिकर्जन यहाँ पे आके रुकती है। अगर ये बेस केस हम ना लगाएं तो हमारी रिकर्जन चलती चली जाएगी और ये इन्फिनाइट चलता चला जाएगा, यानी कि कहीं पे भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने एक बार ये बेस केस तीनों निकाल लिए तो हमने कहा यार अगर हमें ये तीन पार्ट पता है तो मेरे को अब ऊपर वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो जाएगा, तो हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करा। ऐसे ही हमने ये सारे के लिए सॉल्व करा, तो अगर मान लो ये तीन पार्ट मैंने सॉल्व कर लिए तो अब इसके ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लूँगा, अगर ये तीन पार्ट मैंने सॉल्व कर लिए तो फाइनली मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। यानी कि टॉप से हम कहाँ गए, हम बॉटम के लिए गए, डाउन चलते चले गए, और डाउन जाके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करा। तो इसको इसलिए टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से करे थे, टॉप से करे थे, फिर हम नीचे चलते चले गए, नीचे चलते चले गए, बिल्कुल बेस, उसको सॉल्व करा, फिर उसके बाद हम ऊपर आए, तो इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। एक दूसरी अप्रोच होती है बॉटम अप, जिसमें हम स्टार्ट ही नीचे से करते हैं कि नीचे वालों का मेरे को पता है तो ये मैंने बिल्ट कर लिया, फिर इसके ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, तो नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। वो होती है आइटरेटिव डीपी, उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करने वाले हैं। तो आई थिंक टॉप डाउन अप्रोच तुम समझ गए हो। तो रिकर्जन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है बेस केस जो कि ये लीव कंडीशन बताती है कि यार तुम्हारा लीव का आंसर क्या आएगा, वो तुम्हारा बनता है बेस केस। और दूसरा मेन पार्ट होता है कि यार ये रिलेशन 1, 2 और 3 के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जिससे ये पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है आराम से, यानी कि 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, या फिर 1 × 2 × 3 ये सॉल्यूशन हो। तो इनके बीच का, सब प्रॉब्लम्स के बीच का क्या ऐसा रिलेशन है जिससे हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये दो चीज़ अगर तुम्हें पता लग जाती है, बेस केस और वो रिलेशन, तो समझ लो कि तुम रिकर्जन बड़ा आराम से बना सकते हो और इसको इम्प्लीमेंट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यार अब कुछ टिप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, रिकर्जन में कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो यार देखेंगे कि यार जनरली हम सिंपल अगर रिकर्जन सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का बनाते हैं तो वो हमारे काम नहीं आएगी, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल से भी तुम्हें समझाऊंगा। तो कुछ टिप्स हैं ये कहीं पे लिख लो, वैसे तो यार आगे जब हम प्रॉब्लम करते जाएंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पार्ट्स मैंने ये जो लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है प्रून इनफिजिबल। प्रून का मतलब क्या होता है यार, छाटना होता है इसका मतलब। यानी कि मान लो रिकर्जन में मैं कुछ सब प्रॉब्लम्स, मैं कह रहा हूँ मेरी बड़ी वाली प्रॉब्लम को निकालने के लिए मैं सब प्रॉब्लम निकालता जा रहा हूँ, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा सब प्रॉब्लम बन रहा है जो फ्यूचर में जाके मेरे जो अल्टीमेट आंसर है, यानी कि जो मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना था उसमें मेरा फ़ायदा नहीं करवा रहा है, यानी कि उसमें इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का कोई काम नहीं है, तो क्या मुझे इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए? मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे को उस समय ही उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा टाइम लग रहा है, और अगर कोई सब प्रॉब्लम हमारे काम की नहीं है तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए, वहीं पर हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। कहते हैं कि यार रिकर्जन करते हो या फिर आइटरेटिव सर्च भी करते हो तो जितनी जल्दी हम प्रूनिंग करते हैं सर्च स्पेस उतना हमारा अच्छा होता है। अब सर्च स्पेस क्या होता है कि मान लो मैं कहता हूँ कि तुम्हें पूरे एरे में सॉल्यूशन ढूंढना है, फिर हमने कहा पूरे एरे के लिए हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हम इस तीन पार्टों का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तो पूरे एरे का मिल जाएगा। फिर हमें यार फ्यूचर में पता लगता है कि यार तीन पार्ट में हम जब भी प्रॉब्लम को डालते हैं तो जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कभी भी हमारे सॉल्यूशन में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, तो क्या मुझे उस लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहिए हमेशा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या करा, तीन में बांटा, फिर उन तीन को हम क्या करेंगे, और तीन में बांटेंगे, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट था ये और तीन में बटेगा और फिर उसका भी और तीन में बटेगा, लेकिन ये पारा पूरा जो ट्री बनेगा ये मेरे लिए यूजलेस नहीं होगा। तो अगर मैं पहले ही डिवीजन में उस लास्ट वाले पार्ट को नेगलेक्ट करके बस दो पार्ट के लिए आगे रिकर्शन सॉल्व करूं तो क्या मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम की हिस्सा, यानी कि बहुत बड़ा एक सर्च स्पेस कम नहीं हो गया? तो यानी इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, सर्च स्पेस को कम कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं ये हम प्रॉब्लम सॉल्व जब करेंगे तभी हम सीखेंगे। दूसरी चीज़ आती है प्री कंप्यूट। अब प्री कंप्यूट तुमने सुना होगा यार डीपी में करते हैं, तो यार रिकर्जन और डीपी ये हैंड टू हैंड चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। प्री कंप्यूट तुम किसी भी टेक्निक के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब यार कोई रिजल्ट तुम्हें पहले से ही अगर पता है तो उसको दोबारा कैलकुलेट करना इज़ सेंसलेस,
मतलब कोई बेवकूफ़ी हो गया यार, जो जिसने एक काम पहले से कर रखा है और उसको दोबारा दोबारा करते जा रहा है। तो कहीं भी अगर तुम्हें प्री कंप्यूट करने का मौका मिलता है तो हमेशा हम चीज़ों को प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं ताकि उसका बाद में हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तीसरी टिप क्या होती है यार, प्रॉब्लम को बैकवर्ड सॉल्व करना। कि यार कभी कभी ये होता है कि यार कोई एक प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है कि जो स्टेटमेंट तुम्हें दे रखी होती है, अगर तुम उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हम अगर उस प्रॉब्लम को उल्टा सोचें कि मान लो कि हमारे पास अगर सॉल्यूशन होता उस प्रॉब्लम का, तो उस सॉल्यूशन से कैसे मैं अपना पीछे आते आते अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम तक आता, वो चीज़ करने में कभी कभी हमारी बहुत आसानी होती है। इसके ऊपर भी एक बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है, रैट प्रॉब्लम, उसको मैं सॉल्व ज़रूर करवाऊंगा। तब हम ये चीज़ सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे बैकवर्ड सॉल्व होता है। और चौथी चीज़ आती है यार, यूज़ बेटर डेटा स्ट्रक्चर। हमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचना होता है। हमने डेटा स्ट्रक्चर इतने सारे पढ़ लिए, मैंने रिकर्जन, डीपी, ग्राफ, इन सबसे पहले हमेशा तुम्हें इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर बस इसीलिए पढ़ाए थे, पहले एसटीएल तुम्हें इसलिए पढ़ाए कि अब फ्यूचर में जब इनका यूज़ होगा, उनकी सबकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या वो स्पेस लेते हैं, ये सब बहुत ध्यान से देखना होता है। हर प्रॉब्लम के लिए अलग डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में दिक्कत ना आए इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें पहले ही कवर करवा दी थी। और बेटर डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करके ही टाइम लिमिट एक्सीडेड से या स्पेस मेमोरी लिमिट एक्सीडेड से बच सकते हैं। तो ये चार पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकर्जन करते वक्त या कोई भी टेक्निक करते वक्त। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकर्जन करते वक्त क्या है, तो यार वो बहुत लोगों को पता है लेकिन बहुत लोग करते नहीं है आलस के मारे। रिकर्जन जब भी करो तो तुम्हें ट्री ज़रूर बनानी है। हवा में रिकर्जन नहीं सोचना कि यार मैं ऐसे करूँगा और इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, इसमें सारा गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा कोड रिकर्जन का बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी गलती और तुम्हारा पूरा रिकर्जन ट्री ख़राब हो जाता है। तो यार उस गलती को करने से अच्छा और उसमें बाद में डिबगिंग में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा रिकर्जन ट्री बनाओ। रिकर्जन ट्री भी दो तरीके से बनाओ, दोनों तरीके मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। रिकर्जन ट्री बनाने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो तुम्हें यार पूरी रिकर्जन साफ साफ पता लगती है कि हर प्रॉब्लम के लिए तुम्हें कितनी कॉल करनी है और कब कौन सी कॉल करनी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यार तुम्हें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो भी अभी हम देखते हैं। कि मान लो अगर हमें फिबोनाकी सीरीज चाहिए हो, तो फिबोनाकी सीरीज क्या होता है, अगर एफ ऑफ एन चाहिए, एन के लिए मेरे को चाहिए कि फिबोनाकी सीरीज में nth प्लेस पे क्या होगा, तो वो बेसिकली होता है एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। तो ये मेरी पहले से ही एक रिकर्जिव फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसका रिकर्जन अगर मैं करता हूँ, मेरे को क्या, मैंने कहा कि मेरे को n के लिए चाहिए, तो n के लिए मेरे को पहले क्या देखना पड़ेगा कि n माइनस वन क्या है और n माइनस टू क्या है। तो मैंने कॉल कर दिए, n माइनस वन इधर कॉल कर दिया, n माइनस टू इधर कॉल कर दिया, इन दोनों के जब रिजल्ट आएंगे इनका एडिशन मेरा n का सॉल्यूशन बता देगा। फिर मैंने n माइनस वन के लिए करा तो n माइनस टू हो गया इधर, n माइनस थ्री हो गया, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, इधर n माइनस टू था तो इसने क्या करा, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। अब इसमें हम एक चीज़ गौर करके देखें तो n माइनस टू के लिए मैं यहाँ से रिकर्जिव फंक्शन ये पूरी सॉल्व करूँगा, ये जो ट्री मेरी बनी हुई है छोटी सी सब ट्री, ये मैं पूरा सॉल्व करूँगा। लेकिन यही सेम काम मैं इस वाले हिस्से में भी पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, n माइनस थ्री यहाँ पे भी आ रहा है, n माइनस थ्री यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर ये n मेरा लार्जर होगा, बहुत बड़ा n होगा, तो यार ये n माइनस थ्री के लिए भी मैं पूरी ट्री सॉल्व करूँगा, इधर भी मैं n माइनस थ्री के लिए पूरी ट्री सॉल्व करूँगा। तो मैंने क्या देखा यार, एक सब प्रॉब्लम मेरी बन रही है, इस बड़े वाले प्रॉब्लम को तोड़ने पे मेरी कुछ सब प्रॉब्लम बन रही है, लेकिन वो सब प्रॉब्लम बहुत जगह आ रही है और उसको मेरे को बार बार ही सॉल्व करना पड़ रहा है। तो क्या यार मेरे लिए ये बात होगी कि मैं हमेशा इस सब प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करता रहूँ? अब मेरे को ये चीज़ कैसे पता लगी कि सब प्रॉब्लम रिपीट कर रही है, ये मेरे को पता लगा ट्री बना के। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ट्री ही नहीं बनाते। जब तुम ट्री नहीं बनाओगे तो तुम्हें सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी। अगर सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी तो हमेशा TLE आने का चांसेस तुम्हारे रहते हैं। पहली चीज़ तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग दिखी। अब एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि मान लो मैं फिबोनाकी नंबर के साथ करता, मैंने कहा एक जनरल सब ट्री बनाओ, इससे तुम्हें सब प्रॉब्लम दिख जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं यार जिसमें हम जनरली ना बना नहीं पाते, या फिर जनरली ऐसा होता है कि यार
जल्दी से हमें चीज़ें नहीं मिलती, सब प्रॉब्लम तो मिल जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं मिलता कि यार बेस केस क्या होगा मेरा रिकर्जन का। तो अगर तुम्हें बेस केस ढूंढना हो तब मैं क्या करूँगा, तो मैं कहता हूँ हमेशा रिकर्जन का जब से एक ट्री बनाओ तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, 4-5 साइज़ का एरे, अगर एरे है तो नंबर है तो कोई छोटा नंबर ले लो, जैसे फिबोनाची के लिए मैंने 5 ले लिया। तो अगर मैं 5 को सॉल्व करता हूँ तो मैंने कहा मेरे को 4 का आंसर चाहिए, मेरे को 3 का चाहिए, 4 ने कहा 3 का चाहिए, 2 का चाहिए, 3 ने कहा 2 का चाहिए, 1 का चाहिए, 2 ने कहा 1 का चाहिए, 0 का चाहिए, इस 1 ने कहा मेरे को 0 का चाहिए, ऐसे ऐसे करके मैंने ये पूरी ट्री मैंने बना दी है। तो मैं अब क्या देख रहा हूँ इसमें, एक तो मेरे को ये बात पता लग गई कि यार 3 की प्रॉब्लम मैं इधर इतनी बड़ी ये सॉल्व कर रहा हूँ और 3 का मैं इधर भी इतना बड़ा ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं पागल ही हूँगा अगर मैं ये काम दो बारी कर रहा हूँ। अगर मैं सेंसिबल बंदा हूँ तो मैं ये काम एक ही बारी करूँगा। और दूसरी बात मेरे को क्या पता लगती है कि यार मैं 1 पे तो आ गया, मान लो मैं 0 पे भी आ गया, इधर भी 1 पे आ गया, लेकिन अब क्या, अब 0 से नेगेटिव तो मैं नहीं जा सकता ना, मेरे को पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। तो यानी कि यहाँ पे आके मैं अटक गया। अब जहाँ पे आके तुम अटक जाते हो तो वो हमेशा हमारा क्या होता है, बेस केस होता है। अब 1 के लिए आंसर मेरे को पता है फिबोनाची सीरीज़ का क्या होता है, 1 होता है, 0 के लिए भी क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इन दो केस के लिए मेरे को पता है तो क्या मैं इनको बेस केस नहीं बना सकता कि अगर मेरा यार n कभी भी 0 या फिर 1 हो जाता है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 1-1 इसका आंसर है, मैं ये चीज़ रिटर्न कर दूंगा। एक बारी अगर मैंने ये बेस केस बना लिया तो अब मेरे को क्या करना था, मैंने ये जो 2 के लिए कॉल करे थे ये दो सॉल्यूशन 1 और 0, इनसे जो मेरा सॉल्यूशन आया उनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पे 2 का आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना सिंपल हो जाता है, तुमने बेस केस ट्री को देख के बता दिया कि ट्री तुम्हारी कहाँ पे आके अटक रही है, कहाँ तुम ऐसा पॉइंट आ रहा है कि अब तुम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, यानी कि लीफ नोट तुम्हें मिल गए। तो लीफ नोट के लिए तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर प्रॉब्लम में पहले से दे रखा होता है कि अगर ये सिंगल एंटिटी है तो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हमने बेस केस में डाल दिया। और उसके बाद एक बार हमारा वो रिटर्न होना शुरू होता है तो ऊपर के जितने भी सब प्रॉब्लम हैं एक एक करके वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब यार ये बात करेंगे हम थोड़ी देर में ही कि ये जो सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको मेमोआइजेशन टेक्निक से सॉल्व करते हैं, कुछ लोग डीपी भी कहते हैं लेकिन बेसिकली मैं मेमोआइजेशन ही कहूँगा। डीपी हम ट्रू सेंस में आइटरेटिव जब करेंगे उसको मैं डीपी कहूँगा, इस वाले टेक्निक को मैं मेमोआइजेशन कहूँगा कि मैं याद कर लेता हूँ कि यार इस 3 के लिए मैंने एक बार ही अगर आंसर निकाल लिया तो मैं इसको याद कर लूँगा। अब दोबारा मेरे से प्रॉब्लम कभी किसी ने पूछा कि यार 3 के लिए आंसर क्या था तो मैं यही डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे चिपका दूंगा, तो उसको मेमोआइजेशन टेक्निक कहते हैं। अब रिकर्जन में लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं उसके भी मेनली रीज़न है। यार जब भी तुम्हारा ऐसे डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन तुम्हारे को दे रखा होता है प्रॉब्लम में, या फिर तुम्हें पता होता है कि इसका डायरेक्टिव रिकर्सिव फंक्शन है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या रिलेशन है सब प्रॉब्लम के अंदर, ये तुम्हें पहले से ही दे रखा है। और बेस केस भी बनाना आसान ही होता है, बेस केस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है ये जो सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन है इसको स्टैब्लिश करना। तो ऐसे वालों के लिए तो बहुत लोग रिकर्जन आराम से लिख लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है जब रिकर्जन हमें एरे, स्ट्रिंग या फिर मैट्रिक्स के लिए करना हो। मैट्रिक्स में तो बहुत लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते चाहे उनको सॉल्यूशन भी तुम क्यों ना बता दो। तो इन पार्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज की वीडियो, हमने ये डायरेक्ट वाला फिबोनाची सीरीज़ वाला सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा कि कैसे मेमोराइजेशन सोचते हैं और कैसे करते हैं। तो ये पार्ट हम वीडियो के एंड में आप देखने वाले हैं, वीडियो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो और ये जो आगे के ये एरे, स्ट्रिंग और मैट्रिक्स के हैं, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे एरे, स्ट्रिंग या मैट्रिक्स के ही मैं लेके आऊँगा ताकि इसके साथ तुम रिकर्जन कैसे लगाते हैं उसमें यूज्ड टू हो जाओ। और मोस्टली हम सारे ऐसे प्रॉब्लम ही करेंगे मोस्टली, लेकिन कुछ कुछ होंगे ऐसे कि जिसमें मेमोराइजेशन ना लगे, लेकिन मोस्टली हम सारे ऐसे ही प्रॉब्लम करेंगे जिसमें मेमोराइजेशन लगेगी। क्योंकि बेसिकली तुम अगर रिकर्जन देखोगे तो यार ज़्यादातर रिकर्जन के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें मेमोराइजेशन तुम्हें लगानी पड़ती है, अगर तुम मेमोराइजेशन नहीं देख पाते हो तो तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाता है। तो उसको कैसे देखते हैं वो प्रॉब्लम कराते कराते ही मैं बता पाऊंगा। तो इसलिए ज़्यादातर प्रॉब्लम हम मेमोराइजेशन बेस्ड करेंगे रिकर्जन की, लेकिन कुछ कुछ रिकर्जन के कुछ बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम ऐसे भी है जिसमें मेमोराइजेशन नहीं लगती। अब मेमोराइजेशन मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोराइजेशन तुम्हें कब नहीं लगती, तो यार कभी भी तुम्हारी ट्री अगर सिंगल डायरेक्शन में जा रही हो तब तुम्हारी मेमोराइजेशन नहीं लगती। जैसे मैं कहता अगर 5 के लिए मेरे को 4 का आंसर चाहिए,
फोर के लिए मेरे को थ्री का चाहिए, थ्री के लिए टू का चाहिए, टू के लिए वन का चाहिए, और वन का तो मेरे को पता है, फिर मैं वहाँ से वापस 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 आ जाऊँगा। अगर तुम्हारी ट्री कुछ इस तरीके से बनती तो इस केस में मेमोराइजेशन हमें नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हारी ट्री कुछ ऐसे बन रही है जिसमें दो पार्ट या तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पर मेमोराइजेशन लगती ही लगती है। तो फिबोनाकी का मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है, एक बारी कोड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अभी मेमोराइजेशन नहीं लगाई है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कोड के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि मेमोराइजेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करो और इसकी इम्पॉर्टेंस को समझ पाओ। तो यार मैंने एक एन इनपुट ले लिया है कि मेरे को किसके लिए फिबोनाकी चाहिए, वो एन इनपुट ले लिया सी आउट फिब ऑफ एन, फिब ऑफ एन मेरे को जो आंसर बताएगा वो मैं सी आउट करूँगा, एन मेरा 7 है इस केस में जो मैंने इनपुट में लिया है। तो फिबोनाकी का जो मैंने फंक्शन बनाया वो क्या है, वो एक इनपुट लेगा एन के फॉर्म में और एक आउटपुट देगा इंटीजर जो एन का आंसर होगा। तो मैंने बेस केस बना दिया है यहाँ पे, अगर मेरा एन 0 होता है या फिर एन इक्वल्स टू 1 होता है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं 1 रिटर्न कर दूंगा कि 1 इसका आंसर होगा। अगर एन मेरा 0 नहीं होता या फिर 1 नहीं होता तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, फिब ऑफ एन माइनस 1 निकालो और फिब ऑफ एन माइनस 2 निकालो, इन दोनों का जो रिजल्ट आता है उनको ऐड जब मैं कर दूंगा तो मेरा फिब ऑफ एन आ जाएगा। तो यार देख रहे हो कि 7 के लिए मेरा 21 आंसर है, लेकिन मैं तुम्हें इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कॉल्स दिखाना चाहता हूँ कि एन माइनस 1 और एन माइनस 2 तुम्हारे क्या होते हैं। ये जितनी बारी रिपीट करेंगे उतनी बारी तुम एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो ट्रेस का मैंने यूज़ करा है, संडे वाली वीडियो में डीबगिंग जब कराऊंगा तो ट्रेस का अच्छे से बता दूंगा। सिंपली अभी ये क्या है, सी आउट स्टेटमेंट की तरह होता है ट्रेस। तो मैंने यहाँ पे देखा, अगर तुम गौर से देखोगे, इस आउटपुट स्ट्रिंग को बढ़ा देता हूँ मैं, कि यार n माइनस 1 मेरा 6 है, इधर 5 है, फिर n माइनस 1 मेरा इधर 5 है, दोबारा 4 है, 4 दोबारा है, 3 है, 3 दोबारा है, यानी कि एक ही नंबर मेरा यहाँ पे साफ साफ दो बारी तो मेरे को दिख रहा है। अब हम नीचे जाते हैं तो नीचे देखते हैं यार 4321 तो दोबारा है, यहाँ पे भी 321 दोबारा है, ऊपर भी 321 दोबारा है, यानी कि तुम देख रहे हो एक ही चीज़ को हम कितनी बारी अलग अलग जगह पे कंप्यूट कर रहे हैं, कितने सारे कॉल मेरे इस फंक्शन ने कर दिया। अब देखते हैं कि अगर हम इसमें मेमोराइजेशन लगा सकते थे तो इस कॉल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। आंसर तो हमारा 27 ही है और उस समय भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये जो नंबर ऑफ कॉल्स हो रहे हैं रिकर्जन की, अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी निकालनी हो तो जो नंबर ऑफ कॉल्स वो करता है बेसिकली वही तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अभी देखा जाए तो इस ट्री के लिए ये क्या कॉल्स करेगा, तो यार जितने इसके लेवल्स होंगे ये उतने कॉल्स करता जाएगा। हर लेवल पे ये 2 कॉल कर रहा है, हर लेवल पे 2 कॉल कर रहा है। इसके कितने लेवल्स होंगे, तो इसके n लेवल्स होंगे, 5 से लेके हम 2 तक गए तो लगभग n कॉल्स करे होंगे, तो इसके n लेवल्स होंगे, तो हर एक लेवल पे 2 कॉल कर रहा है, तो टोटल कितने कॉल हुए, 2 की पावर n, यानी कि एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है अभी हमारा इस फिबोनाकी नंबर के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्या हम इसको सुधार सकते हैं, तो देखते हैं उसको। तो यार यहाँ पे मैंने इसका मेमोराइजेशन टेक्निक बना दिया, मैंने एक एरे बना लिया, एक वेक्टर बना लिया, ग्लोबल बना लिया, ताकि मेरे को फंक्शन में बार बार ही कॉल ना करना पड़े। रिकर्जन में ये चीज़ भी काफ़ी ध्यान रखा करो कि जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को फंक्शन में पास करते हो उतना ज़्यादा यार हर एक फंक्शन के लिए वो कॉल करते हुए फंक्शन ओवरहेड में वो स्पेस बनता रहता है, और वो यार कभी कभी तुम्हारे को दिक्कत कर देता है। तो अगर तुम रिकर्सिव फंक्शन में कोई चीज़ बहुत बारी पास करते हो या फिर यार सेम चीज़ के अंदर तुम्हें चेंजेस करने हो, तो इट्स बेटर टू मेक दैट एरे और वट एवर इट इज़ ग्लोबल। यहाँ पे मैंने एक डीपी नाम का एरे बना लिया है, इसका मैक्स साइज 1 ही 6 ले लिया है, जो मेरी एन की लिमिट है, और सबको मैंने 0 से इनिशलाइज कर दिया है कि इनिशियली मेरे सारे डीपी का 0 रहेगा। तो मैंने फिबोनाकी का फंक्शन कॉल करा, तो मैंने इसमें क्या करा, मैं आंसर में इस वेरिएबल आंसर में पहले क्या कर लेता हूँ, फिब ऑफ एन माइनस 1 प्लस फिब ऑफ एन माइनस 2, यानी कि इससे मेरा जो रिजल्ट आएगा वो मैं आंसर में कॉल कर लूँगा। और ये आंसर किसके लिए, एन के लिए है, तो डीपी ऑफ एन में मैंने क्या स्टोर कर लिया, उसका आंसर स्टोर कर लिया, यानी कि एन के लिए अब जो आंसर है वो मैंने याद कर लिया एक तरीके से इस डीपी के एरे के अंदर, कि अब मेरे को एन के लिए आंसर याद है हमेशा। अब कभी भी मेरा अगर dp of n मुझे चाहिए हो, यानी कि fib फंक्शन मैंने किसी भी एक n के लिए कॉल करा और उस n के लिए मैंने पहले से ही आंसर कभी निकाला होगा, तो dp of n में वहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मेरे को पता है यार फिबोनाकी में कोई भी नंबर 1 से छोटा नहीं है। तो अगर मेरा dp of n ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ये प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व कर रखी है। अगर ये प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व कर रखी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डी पी ऑफ एन
रिटर्न कर दूंगा, मैं वही चीज़ दोबारा थोड़ी सॉल्व करूंगा, पागल थोड़ी हूँ मैं। मैंने सिंपली ये चीज़ रिटर्न कर दी, डी पी ऑफ एन मैंने अगर पहले निकाल रखा है ये कैसे पता लगा कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, किसी सॉल्यूशन में अगर हमारा आंसर जीरो हो सकता है तो डी पी को हम माइनस वन से इनिशियलाइज कर देते, तो वो हमारा कंडीशन बन जाता कि क्या हमने वो कभी पहले निकाला है या नहीं निकाला है। अगर पहले निकाला है तो हम डायरेक्ट उसका आंसर वापस रिटर्न कर देंगे, ये फिब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने नहीं निकाला तो हम ये फिब कॉल करेंगे, इससे आंसर कंप्यूट करेंगे, जो आंसर आया उसको पहले स्टोर करेंगे फिर रिटर्न करेंगे। तो ये तरीका होता है मेमोइज करने का। तो अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि फंक्शन कॉल कितने हुए थे हमारे। तो हमने पहले देखा n माइनस वन और n माइनस टू कितनी बारी रिपीट कर रहे थे। अब हम दोबारा सेम चीज़ देखते हैं कि ये कितनी बारी रिपीट करते हैं। तो यार यहाँ पे अब तुम देख रहे हो कि हमारी एक इतनी लंबी लिस्ट इतनी छोटी बन गई है कि यार ये 5-6 लाइन में ही ख़त्म हो गई। फ़र्क देख रहे हो, ये अभी हमने 7 के लिए करा है तब इतना फ़र्क आ रहा है। मान लो ये 7 की जगह अगर हमारा 100 हो जाता तो मैं क्या करता, मैं सेम चीज़ कॉल करता और मैं फंक्शन कॉल्स देखता हूँ कि यहाँ पे कितने आते हैं। तो 100 के लिए तुम देख रहे हो यार इतनी बड़ी लिस्ट आई है। यहाँ पे मेरा लास्ट में वेरिएबल इंट साइज का था जो कि ओवरफ्लो कर गया है, तो यानी कि ये तो अलग बात है, लॉन्ग लेंगे तो ये रिजल्ट सही आएगा, लेकिन मैं कॉल्स दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि यार ये जो नंबर ऑफ कॉल्स हुए हैं ये कितने सारे हुए हैं 100 पे। कब हुए हैं ये? जब हमने डीपी का यूज़ करा है। एक बारी को हम इस डीपी को हटा के देखते हैं कि अगर मैं डीपी को हटा देता और नॉर्मली अपना आंसर निकालता तो मेरे नंबर ऑफ कॉल्स क्या होते। ऐसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे ये लूप इन्फिनाइट को चल दिया है और तुम्हारा बहुत एक बड़े लिस्ट आ चुकी है मेरे पास जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। 7 में है, तुम्हें ये बात पता नहीं लग रही थी, इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं लग रही होगी कि यार मैंने ये डीपी लगा तो दी लेकिन ज़्यादा फ़र्क कहाँ पड़ा, मेरे कुछ नंबर ऑफ कॉल्स थे वो डिक्रीज़ हो गए। लेकिन अब 100 में तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि अभी भी मैं कर्सर घुमाता जा रहा हूँ और ये इनपुट की लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही। यानी कि प्रॉब्लम का साइज़ जब बड़ा होता है, और वो जनरली होता है कि 100 तो यार जाएगा ही जाएगा, तो उस केस में तुमने अपना कितना काम बचाया था डीपी यूज़ करके, वो तुम्हें अब शायद पता लग गया होगा कि ये लिस्ट तो यार ख़त्म होने से रही, इतनी बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने डीपी से कितना ज़्यादा छोटा कर दिया था। सो आई होप तुम्हें यार ये इंपॉर्टेंट बातें समझ आई होगी इस फिबोनाची के छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करके। लेकिन यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है सब प्रॉब्लम्स को देखना। आई होप तुम्हें ये ह्यूमंगस आउटपुट देख के समझ आया होगा और थोड़ा घबराओगे कि यार अगर तुमने ये सब प्रॉब्लम कहीं पे मिस कर दी तो तुम्हारा कितनी ज़बरदस्त तरीके से कट सकता है। तो यार अगली वीडियो सारी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे आने वाले, कोई भी वीडियो मिस मत करना। मैं रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डीपी, ग्राफ, इन सब टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में करवाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आराम से करते जाएंगे लेकिन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे। जल्दी में ये टॉपिक मैं ख़त्म नहीं करने वाला क्योंकि फ्यूचर में ये टॉपिक दिक्कत कर सकती है अगर तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती है। तो रिकर्जन के एटलीस्ट हम 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे और सारे अलग अलग वेराइटी के देखते चलेंगे, एरे में कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, बैक ट्रैक कैसे करते हैं रिकर्जन के साथ, और कभी कभी हम प्रोन करते हुए कैसे अपने सॉल्यूशन को TLE से बचाते हैं, प्री कंप्यूट करते हुए कैसे हम रिकर्जन में प्री कंप्यूटेशन यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यार रिकर्जन में सीखने के लिए, बैक ट्रैकिंग में सीखने के लिए। एक बार ही अगर तुमने रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग में टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो समझ लो यार आधी DP तो तुम्हारी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, बाकी जो आधी बची हुई DP होगी वो भी हम इसके हेल्प से ही सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ के किसी भी एल्गोरिदम में तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिकर्जन की कॉल तुम फटाफट कर लोगे, ट्री के प्रॉब्लम्स में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा तुम रिकर्जन में जाते हो ट्री में तो वहाँ पर रिकर्जन लिखना बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, देख के तुम डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हो। एक बार ही तुम्हें रिकर्जन लिखना आ गया तो यार इम्प्लीमेंटेशन रिकर्जन का कभी भी मुश्किल नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा आइटरेटिव का मुश्किल होता है। तो यार आई होप तुम्हें ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी और इस टॉपिक को तुम बिल्कुल ध्यान से करोगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा हर एक स्टेप को फॉलो करोगे, किसी भी एक स्टेप को मिस मत करना वरना एकदम से कब वीडियो तुम्हें मुश्किल लगने लग जाएगी वो मैं भी नहीं बता सकता। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार सभी को मेरी तरफ से। तो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में।